अर्थव्यवस्था कहा जा रही है, हमारे देश के युवा बेरोजगार होने जा रहे हैं, ये इनका भविष्य कहा जा रहा है, ये कुछ नहीं सोचती, सिर्फ धर्म पर ही लड़ना शुरू कर देती है। अभी आप देख रहे होंगे, हम सब भारत में रहते हैं, हम भारत देश में रह रहे हैं, लेकिन जब हम कोई भी घर पर जाते हैं या कोई भी टीवी खोल कर देख ले तो जानते हो, हर एक न्यूज चैनल पर, हर एक न्यूज चैनल पर पाकिस्तान की खबरें आती हैं, पाकिस्तान की जनता की खबरें आती है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की खबरें आती है, तो तब एक झटका से लगता है कि क्या हम पाकिस्तान के चैनल देख रहे हैं या हम पाकिस्तान देश में रह रहे हैं, तो हमें एक झटका सा लगता है। सबसे बड़ा जो हम मानते हैं ना कि चौथा स्तंभ, हम मीडिया को बोलते हैं ना, जब भी कोई किसी भी राजनीतिक दल का प्रोग्राम होगा तो हम बड़े ही सम्मान से कहेंगे पत्रकार बंधुओं। हाँ, मैं एक पत्रकार बंधुओं का तो मैं भी सम्मान करती हूँ कि अपनी जी जान लगाकर ये क्षेत्रों में उतरते हैं, ऐसे ऐसे कांड में उतर जाते हैं कि जहाँ इनकी भी जान को खतरा होता है, लेकिन उनका क्या, जो इनके ठेकेदार बने हुए बैठे हैं, जो जनता को, जो इस लोकतंत्र को, जब हमारे देश में लोकतंत्र है तो जानते हो जीत और हार का फैसला भी तो लोकतंत्र ही करेगा। जब हमारे देश का लोकतंत्र ही गुमराह करा जा रहा है और जिसको हम सम्मान के रूप से ये कहते हैं कि चौथा स्तंभ, उसके माध्यम से हमारे देश के लोकतंत्र को ही गुमराह करा जा रहा है, जनता को यही नहीं पता कि हमारे देश में मॉब लिंचिंग हो भी रही है या नहीं हो रही है, जनता को ये भी नहीं पता कि जो तुम्हारे घर का एक युवा पढ़ाई लिखाई कर एक अच्छी नौकरी की तरफ मिल रहा है, उसको आगे भविष्य उसका बनेगा या नहीं बनेगा, उसको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, जब यही नहीं पता कि हमारे क्षेत्र में कितनी बदहाली हो रही है, क्योंकि एक पॉलिसी और चला रखी है, जब भी इस देश, ये देश की जनता, जब भी हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं, ये जनता ये जानने का प्रयास करते हैं कि भाई हमारे देश की जीडीपी 5% कैसे हो गई, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे गिर गई, तो तभी अपनी ही सरकार का चिन्मयानंद केस उजागर कर दिया जाता है। पर जनता जानते हैं, जो फेसबुक पे या टीवी पर जो सही न्यूज खबरें देख रही थी, आज वो सिर्फ चिन्मयानंद की खबरें देखती है, वो भी बड़े इंटरेस्ट लेकर। तो मेरे भाइयों, मेरा भी मानना है कि हमें धर्म पर प्रहार ना कर हमें सिर्फ सिस्टम पर प्रहार करना चाहिए। जो इस सरकार ने वादे किए थे, जो ये सरकार जनता को गुमराह करने का कार्य करती है और जिससे इस देश के लोकतंत्र को हानि हो रही है, हमें उस पर ही प्रहार करने चाहिए। तब तो पता चलेगा कि देश की जनता को के वास्तव में हो क्या रहा है इस देश में। अभी आप देख रहे हो कि हम ईवीएम मशीन की बात करते हैं, ईवीएम मशीन में क्या करेगी। मैं क्षेत्रों में जाती हूँ तो क्षेत्रों में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, कोई किसान है वो भी सरकार की बुराई कर रहा है, कोई गरीब है वो भी सरकार की बुराई कर रहे हैं, हम आपके वोट नहीं देंगे। और इतना जो व्यापारी तबका वो भी सरकार की बुराई कर रहा है कि हम इसको वोट नहीं देंगे, लेकिन जब रिजल्ट आता है ना चुनावों का, तो हर एक प्रत्याशी एक एक लाख वोट से जीतता है। जब एससी भी बुराई कर रहा है, जब एसटी भी बुराई कर रहा है, ओबीसी भी बुराई कर रहा है, पिछड़ा वर्ग भी बुराई कर रहा है और उन्हीं के बीच के रहने वाले सामान्य भी बुराई कर रहे हैं, तो फिर ये 1 लाख से कैसे जीतते हैं। तो ये प्रश्न चिंता उठता है कि वास्तव में हमारा जो ईवीएम मशीन है,
वो सही काम नहीं कर रहा। ईवीएम मशीन का जो कंट्रोल है वास्तव में अब निर्वाचन आयोग के हाथ में नहीं है, अब ये सरकारों के हाथ में चला गया है। यानी कि एक तो ईवीएम मशीन का कंट्रोल सरकारों के हाथ में, और दूसरा जो हम सामान्य रूप से हम मीडिया को कहते हैं कि चौथा स्तंभ, उसका भी कंट्रोल सरकार के हाथ में चला गया है। जिससे जो जनता की सच्चाई की बात करते थे, जो वास्तविकता की बात करते हैं, आज उनका भी कंट्रोल सरकार के हाथ में चला गया है। तो बताइए, हम चंद लोग हैं, हमारे पास संसाधन है, हम यहाँ तक चल कर आ गए, हमने मंथन कर लिया कि भाई देश की व्यवस्था कहाँ जा रही है और देश में क्या हाल हो रहा है, हम क्यों गर्द में गिरे जा रहे हैं, क्यों हमारा एक मुस्लिम भाई कहीं भी मारा जाता है, क्यों दलित के बच्चे शौचालय के नाम पे मार दिए जाते हैं। क्या आप नहीं जानते जिस देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है, शौचालय का अभियान चल रहा है, उस देश के दो मासूम बच्चे सिर्फ शौचालय के नाम पे मार दिए जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये केंद्र सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा है कि जहां स्वच्छ भारत अभियान के बाद लाल किले से कहीं जाती हो, जहां शौचालय की बात लाल किले से कहीं जाती हो और इंटरनेशनल लेवल पर गूंजती हो, जिस अभियान को इतना प्रोत्साहन हम बेशक विपक्ष है, हम बेशक अन्य पार्टी है, हम नहीं है बीजेपी का हिस्सा, हम नहीं है आरएसएस का हिस्सा, लेकिन जब स्वच्छ भारत की बात आती है तो हमारे मन में भी ये भावना तो उठती है कि हाँ भाई, भारत तो स्वच्छ होना ही चाहिए, चाहे बुराइयों से हो चाहे गंदगी से हो, लेकिन भारत तो स्वच्छ होना ही चाहिए, चाहे केंद्र सरकार की जाने से हो, भारत तो स्वच्छ होना ही चाहिए। लेकिन जो स्वच्छता के नाम पर जो मासूम बच्चों की हत्या हो जाती है, तो ये केंद्र सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा है। लेकिन कहेगा कौन, समझाएगा कौन, जिसके सामने हमारे बच्चे, हमारे घरों की महिलाएं, हम सब बैठते हैं अधिकतर न्यूज चैनलों को देखने, टीवी के सामने, वही ऐसा एजेंडा फैला रहा है कि पता ही नहीं कि हमारे देश में हो क्या रहा है। हम तो चंद पार्टी है, जितना हमारा दायरा है हम उतना काम कर रहे हैं, लेकिन इस मीडिया का भी काम करना होगा। सबसे ज्यादा तो हमें इस मीडिया के ठेकेदारों पर उंगली उठानी होगी, और जब तक हम ये डरते रहेंगे कि हमारी सभा में चंद मीडिया बंद है और हम अगर बोलेंगे तो ये हमारी खबर नहीं छापेंगे, ये हमें नहीं लिखेंगे, ये हमें नहीं दिखाएंगे, तो मेरे भाइयों में सभी कौन सा दिखा रहे हैं, बड़े से बड़े आंदोलन खड़े हो गए हैं, वैसे भी कौन सा दिखा रहे हैं, किसकी बात सामने रखी जा रही है, जो हम डरे मीडिया से कि यह हमें नहीं दिखाएंगे। डरना तो उन्हें चाहिए, अभी आपने देखा होगा रविदास जी के मंदिर की बात, रविदास जी के गुरु घर की बात हो रही थी, थोड़ी सी जागरूकता दलितों में हुई तो इन्होंने ऐसा एजेंडा रच दिया कि रविदास जी का गुरु घर ही तोड़ दिया। जो मानसिकता इनको हटाने में लगनी थी, जो अभियान इनको हटाने में लगना था, आज हम सब अपने गुरु घर को बनाने में ही लगे हुए हैं। पर ऐसा हो रहा है कि समाज के दलितों के पिछाड़ में बच्चे जेल चले गए, और जो इनकी ठेकेदारी लिए फिरते हैं, जो इनके अंदर ब्लड में जोश भरते हैं, अगर उनसे पूछ लिया जाए कि भाइयों, क्या आपने उनकी जमानत कराई, क्या आप उनके केस में गए, तो जानते हो गोल जवाब सामने आएगा,
तो मेरे भाइयों हमें उग्र तो होना पड़ेगा, लेकिन इतना उग्र नहीं होना पड़ेगा कि हम अपनी जान माल को ना देखें। आधे से ज्यादा कहते ना, आधे से ज्यादा जीबी तो उसी में खत्म कर दी, और बना दिया अंबानी को अरबपति, और बना दिया अंबानी को अरबपति। तो मेरे भाइयों, मैं कर्तव्य राष्ट्रीय पार्टी चला रही हूँ, उत्तर प्रदेश से मैंने गठन करा है, और मैं किसी धर्म पर कटाक्ष नहीं करती। आप अभी मैं एक बात और कहूंगी मेरे भाइयों, अगर आप अपने घर की महिलाओं को जिन्होंने पति की जेब से अपने मायके से या अपनी मेहनत से जोड़कर एक सुनहरा सा मंगल सूत्र बनवाया है सोने का, और उससे आप कहिए कि ये हिंदू धर्म के नाम पर मंगल सूत्र फेंक दीजिए, तो बताइए आपके घर की महिला मंगल सूत्र फेंक देगी क्या? मेरा मानना तो ये है नहीं फेंकेगी, घर में विद्रोह हो जाएगा, घर में विद्रोह हो जाएगा, लेकिन वो सोने का मंगल सूत्र नहीं फेंकेगी, वो अपने मांग का संदूर नहीं पूछेगी, वो अपने क्योंकि उसको सुकून मिल रहा है, उन चूड़ियों की खनखन से उसको सुकून मिल रहा है, तो कौन सा ऐसा इंसान होगा जो अपना सुकून खोना चाहेगा, बताइए। तो मेरे भाइयों, मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रही हूँ कि हमें बेकार की फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ सरकार के मुद्दों की बात करनी है, हमें बताना है कि हमारा लोकतंत्र किस अंधकार में जा रहा है, और सबसे ज्यादा अंधकार में जो ले जाने वाली है ये भ्रष्ट मीडिया है। हमें कुछ ऐसा आंदोलन भी खड़ा करना पड़ेगा जहाँ इनके भी दायरे सीमित करने पड़ेंगे। आपको पता है ये जो मेरे पत्रकार बंधु है, इनके हाथ में कैमरा बैठवा दिया जाता है, इनसे पूछिए क्या इनको सैलरी मिलती है, क्या इनको सैलरी मिलती है, कहाँ से आता है इनका डीजल, कहाँ से ये अपने गाड़ियों में पेट्रोल भरते हैं, ये सोचने की इनका दर्द कोई नहीं जा बात करता इनके दर्द की, लेकिन इनके ठेकेदार वही नेशनल पार्टी से बड़े बड़े अमाउंट लेकर और हाई प्रोफाइल पब्लिसिटी करते हैं, लेकिन इनकी क्योंकि ये मजदूर तबका है ना, और इनको स्वाभिमान की दो बातें कह दी जाती है, आप तो जर्नलिस्ट हो, आप क्षेत्र के मालिक हो, और आपको क्षेत्र पर ध्यान रखना है, और हर एक समस्या पर आपको ध्यान रखना है, आप ही क्षेत्र के मालिक हो, कुछ ऐसे स्वाभिमान की बात कर दी जाती है। तो मेरे भाइयों, मेरे पत्रकार बंधुओं, आप भी एक आंदोलन खड़ा कर लो, जो आपके मगरमच्छ बैठे है ना, ये सब डकार मार जाते हैं, और आपको सिर्फ एक छोटा सा कैमरा और एक छोटी सी आईडी और एक छोटा सा बैच पकड़ा दिया जाता है क्षेत्रों में मरने के लिए, गोलियों बंदूक के बीच भी आप ही कवरेज करते हैं, और जब सैलरी की बात आती है तो बताइए इनका खर्चा कहाँ चलेगा, पनपेगा ना भ्रष्टाचार, यहाँ से भी भ्रष्टाचार पनपेगा। अभी बात हो रही थी, अभी आपने देखा एक कानून बना दिया गया, मोटर व्हीकल पे कानून बना दिया गया, आम जनता आपस में लड़े जा रही है, पुलिस भ्रष्टाचार में लगी जा रही है, जब इंसान को अपनी समस्या कहीं समझ नहीं होगी, अपने घर की समस्या, अपनी समस्या, अपने पेट की समस्या नहीं उसकी हल होगी, वो क्या राजनीति की बात करेगा, क्या वो क्रांति की बात करेगा। तो इस तरह की पॉलिसी हमारे देश में चल रही है, ये समझने वाली बात है मेरे भाइयों, ये समझने वाली बात है। हमें ऐसा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा जिससे इस सरकार की नींव की नींव उखड़ जाए, और वो तब नहीं उखड़ेगी जब हम धर्म पे बात करेंगे। मैं बात करती हूँ, मैं कर्तव्य की बात करती हूँ, मैं अधिकार की बात करती हूँ, और मैं कर्तव्य पे काम करती हूँ। तो मेरे भाइयों, जो सिस्टम में बैठे हुए अधिकारी है, जो सरकार को सपोर्ट देते हैं, हमें उनकी विचारधारा फैलानी पड़ेगी, उनका भी कर्तव्य उन्हें याद दिलाना पड़ेगा, जब वो अपनी कुर्सियों पर बैठकर कर्तव्य की शपथ लेते हैं, वो भावना उनको जागृत करनी पड़ेगी उनके अंदर, जब वो इस सरकार के लिए खोखली करना शुरू करेंगे, तब हम इस देश से बीजेपी सरकार को उखाड़ पाएंगे, हम अच्छी एक व्यवस्था दे पाएंगे।
मेरे भाइयों, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।